नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द कंपटीशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपलसी के जूनियर असिस्टेंट 2020 जिसका एग्जाम हो चुका है। आप सभी लोगों को पता है कि दोस्तों इसका रिजल्ट भी आने वाला है। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके एक महीने के बाद आपकी टाइपिंग करा ली जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको टाइपिंग के फॉन्ट को लेकर के काफ़ी दिक्कतें हैं। वो काफ़ी परेशान हो गए हैं कि किस फॉन्ट पे उसको हिंदी की टाइपिंग करें और किस तरह से टाइपिंग करें कि उनकी एक्यूरेसी भी सही हो और उनके मार्क्स भी अच्छे आएँ और उनकी स्पीड भी बढ़ सके। तो दोस्तों, आज हम इसी वीडियो में इसी सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे ताकि आप सभी लोगों को 100% सफलता मिल सके। क्योंकि अगर आप सही दिशा में टाइपिंग कर रहे हैं, अच्छे से टाइपिंग कर रहे हैं और अच्छी फॉन्ट पे कर रहे हैं जिस फॉन्ट पे एग्ज़ाम में करवाया जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप ऐसे ही टाइपिंग कर रहे हैं तो दोस्तों, अगर आपको वहाँ पर सेंटर में जिस फॉन्ट पे करने के लिए दिया जाएगा, आप अगर उस फॉन्ट पे नहीं किए रहेंगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और शायद आपकी टाइपिंग की स्पीड भी ना आ पाए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आप सभी लोग सही डायरेक्शन में जा करके अच्छे से अपना टाइपिंग कर सकें और अपनी गलतियों को सुधार सकें। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपको टाइपिंग कराई जाएगी, कितना समय आपको मिलेगा, किस तरह से आप अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे। इन सभी बातों का डिस्कस हम अपनी वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, टाइपिंग की बात की जाए तो टाइपिंग आपकी जो है वो कितने मिनट में, सबसे पहले आता है क्वेश्चन कि टाइपिंग की जो है वो टाइमिंग क्या होगी, कितने मिनट की। ठीक है, तो टाइपिंग की जो आपकी टाइमिंग होगी, ठीक है दोस्तों, वो इंग्लिश के लिए, सॉरी यहाँ पे देखिए, इंग्लिश के लिए 5 मिनट मिलेगा, हिंदी के लिए 5 मिनट मिलेगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में इंग्लिश के लिए 5 मिनट की टाइपिंग मिलेगी जो टाइमिंग है इसकी। ठीक है, जो टाइम है इसका 5 मिनट का है। ये दोनों चीज़ें क्लियर होगी, हिंदी में 5 मिनट मिलेगा और इंग्लिश को आप में 5 मिनट मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है कि आपकी टाइमिंग जो है ये तो 5-5 मिनट दे दी गई है, बट आपकी जो फॉन्ट है वो किस फॉन्ट पे करवाया जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंग्लिश तो आपको नॉर्मली किसी भी फॉन्ट का उस पर दिया नहीं होता है। इंग्लिश आप किसी भी फॉन्ट पे, ऐसा नहीं होता कि आप इस फॉन्ट पे करिए, वो फॉन्ट पे करिए, नॉर्मली आप सब पे कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे आती है हिंदी की, ठीक है, हिंदी, तो हिंदी के लिए आपको कृति देव, ठीक है, और मंगल, मंगल, ठीक है, हिंदी के लिए फॉन्ट आपका जो होगा वो कृति देव और मंगल पे करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था आपका, हो गया फॉन्ट। अब आपको ये बात की जाती है कि स्पीड आपको क्या क्या वहाँ पे कितनी स्पीड देनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए आप, हिंदी के लिए, हिंदी की जो स्पीड होती है वो होती है 25 की, ठीक है, और इंग्लिश की जो स्पीड होती है वो होती है 30 की। आपको 25 और 30 की स्पीड लेकर के वहाँ पे चलना है, वहाँ पे जो आपकी टाइपिंग होगी वह 25 और 30 की स्पीड ले जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात आता है कुछ स्टूडेंट्स के मन में, सर ये बताइए कि आप बैक स्पेस क्या यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही अहम रोल होता है इस बैक स्पेस के बारे में। तो हम आपको बता दें कि अगर आपको बैक स्पेस, ठीक है, बैक स्पेस की बात की जाए तो अगर आपको बैक स्पेस का देखना है तो आप कभी भी बैक स्पेस में, ठीक है, CTRL, ठीक है, इसका यूज़ नहीं करेंगे, नॉट अलाउड, ठीक है, नॉट अलाउड, ठीक है, CTRL का यूज़ आप नहीं करेंगे। अगर आपको बैक स्पेस का अगर आपको करना है शिफ्ट का, अगर कैपिटल लेटर में अगर लिखना है आपको, तो कैपिटल लेटर के लिए आप क्या करेंगे, सीधा से सीधा दोस्तों यहाँ पे कैपिटल लेटर अगर आपको करना है, वहाँ पे कैपिटल में लिखना है, तो आप वहाँ पे सीधा ही शिफ्ट यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, शिफ्ट, शिफ्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, शिफ्ट के अकॉर्डिंग आप कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, शिफ्ट दबा करके आप कैपिटल लेटर उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका फॉर्म। तो दोस्तों, हम आपको बता दें आपको किस तरह से एग्ज़ाम में आ सकता है जो पैराग्राफ, पैराग्राफ की बात की जाए, पैराग्राफ, ठीक है, तो इजी टू मॉडरेट,
ईजी टू मॉडरेट। ठीक है, आप एक चीज़ और, टाइपिंग करते समय, ठीक है, टाइपिंग आप न्यूज़पेपर से करें, किससे करें, न्यूज़पेपर से। ठीक है, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर ले लीजिए, द टाइम्स। ठीक है, हिंदी के लिए कोई भी, एनी न्यूज़पेपर। ठीक है, कोई भी ले लीजिए। और बात यहाँ पे आती है दोस्तों कि आपको उसमें से क्या चीज़ टाइप करना है। ज़्यादातर आपको पॉलिटिक्स से, ठीक है, राजनीति से, पॉलिटिक्स से, आए दिन जो भी घटनाएं हो रही हैं उन सभी चीज़ों को आप करिए, ताकि उससे करने से आपको ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आपको वो पॉलिटिक्स से कोई एक पैराग्राफ दे दिया जाए जिससे आपको उसी को टाइपिंग करनी होगी। ठीक है, तो ये बातों को खास ध्यान दीजिएगा कि आप टाइपिंग न्यूज़पेपर से करेंगे और न्यूज़पेपर में आपको पॉलिटिक्स से जो चीज़ें हैं उसे उठा करके टाइपिंग करिए। ठीक है दोस्तों, इससे आपकी स्पीड में जो है अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे और अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जहाँ तक आपको यह है कि अगर बाई चांस उसी तरह के पैराग्राफ आपको टाइपिंग सेंटर में दिया जाता है तो आप बहुत ही आसानी से उसको टाइप कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप उस तरह के मैटर को टाइप किए रहते हैं। ठीक है, तो ये था टाइपिंग के लिए कुछ बातें, क्योंकि ये चीज़ें जान लीजिए दोस्तों कि आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आपकी टाइपिंग कराई जाती है। ठीक है, ताकि टाइपिंग करने के में आपके जो मार्क्स मिलते हैं आप इन सब चीज़ को ध्यान में रखेंगे, तभी वहाँ पे गलतियाँ नहीं करेंगे और अच्छे से टाइप कर सकेंगे। सीधी सीधी बात है दोस्तों, फॉन्ट आपको जानना है कि फॉन्ट आपको किस फॉन्ट पे होना चाहिए, तो कृतिदेव और मंगल पे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसी फॉन्ट पे आपको करिएगा। हिंदी की स्पीड जो है 25 है और इंग्लिश की 30 है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपको सभी डाउट्स को क्लियर कर सकें। चलिए हम आपको रिटर्न में भी दिखा देते हैं कुछ चीज़ें, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिए, पैराग्राफ यहाँ पे देखिए, इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपको जो दी गई है विल बी कंडक्टेड फर्स्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइपिंग 5 मिनट। ठीक है, आपको 5 मिनट का टाइपिंग दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए पैराग्राफ की बात की जाए तो दोस्तों ये मॉडरेट टू इंग्लिश होगा। ठीक है, हो सकता है कुछ मॉडरेट हो इंग्लिश लेवल में, कुछ ईजी भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं। इस तरह से आप लोग कन्फ्यूज में, तो ये बड़े बड़े वर्ड वाले जो लेटर्स होंगे आप उसी चीज़ को टाइपिंग करिए। थोड़ा किसी एजेंसी पे लेकर के, किसी पॉलिटिकल पे लेकर के, इन सब चीज़ों पे टाइप करेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, कैंडिडेट में भी यूज़ बैक स्पेस। हाँ देखिए, अगर आपको बैक स्पेस का यूज़ करना है तो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे CTRL का यूज़ आप नहीं करेंगे। ठीक है, और कैपिटल लेटर में अगर आपको यूज़ करना है तो आप शिफ्ट के साथ इसको कैपिटल लेटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हिंदी फॉन्ट के लिए, हिंदी फॉन्ट या टू फॉन्ट। देखिए हिंदी का जो है वो दो फॉन्ट पे कराया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था किस पे, एक कृतिदेव और एक मंगल पे। ठीक है, चलिए आगे दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे दोस्तों टाइमिंग की भी बात करें, देखिए तो टाइमिंग भी आपको हिंदी के लिए, टाइपिंग के लिए जो टाइमिंग होगा वो कितना होगा, 5 मिनट का होगा। ठीक है, ओनली 5 मिनट की टाइमिंग, यानी दोनों की टाइमिंग जो है वो 5-5 मिनट की दी जाती है। आपके जान लीजिए टाइपिंग जो है वो दोनों 5 मिनट के अंतराल में होता है, बट आपको इसमें 10 मिनट का गैप दिया जाएगा, इंग्लिश के बाद 10 मिनट का गैप दिया जाएगा, उसके बाद आपकी उसी समय हिंदी का भी टाइपिंग करवा ली जाएगी। ठीक है, चलिए। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पे फॉन्ट की, ठीक है, तो यहाँ पे फॉन्ट की अगर बात की जाती है तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, इंग्लिश की टाइपिंग की स्पीड जो है 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, और हिंदी की टाइपिंग स्पीड जो है 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो यानी आपकी स्पीड की जो वहाँ पे एक्यूरेसी और ड्यूरेशन देखी जाएगी, वो आपकी स्पीड जो है 30 और 25 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, फॉन्ट देखिए एनी वन फ्रॉम मंगल आर कृतिदेव। ठीक है, आपको किसी एक फॉन्ट पे करना है, चाहे आप किसी मंगल पे कर सकते हैं, चाहे कृतिदेव पे, यानी अगर दोनों फॉन्ट वहाँ पे आपको प्रेफर किया जाएगा किसी एक पर आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो आपकी टाइपिंग की स्पीड के लिए और आपकी टाइपिंग की एक्यूरेसी बनाने के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ ना करें, ठीक है, और अच्छे से टाइपिंग करें, इससे आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी और 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और भी वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।